मंदी के माहौल को मात देने के लिए ह्युंडई ने नए मॉडल लॉन्च करने की आक्रामक रणनीति अपनाई है। ह्युंडई ने अपनी थर्ड जनरेशन ह्युंडई ग्रैंड आई10 नियोस को लॉन्च करके मार्केट में नएपन के सहारे ग्राहकों को लुभाने का दांव चला है। कंपनी का भी मानना है कि ह्युंडई वेन्यू ने लॉन्च के 2 महीनों के भीतर ही अपने सेगमेंट में टॉप पोजीशन हासिल कर ली थी। उससे उन्हें भरोसा है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस नए मॉडल कामयाबी की वजह बन सकते हैं। इंफोटेनमेंट के लिए बड़ी स्क्रीन टच स्क्रीन दी है, इसके अलावा हमने जो वायरलेस चार्जर जैसी फैसिलिटीज है टॉप एंड में हमारे, जो कि कस्टमर के लिए आज मस्ट होती चली जा रही है, और इसके साथ रियर एसी का कंफर्ट है, सारे कंप्लायंस हैं, डुअल सेफ्टी एयर बैग्स हैं, और इसके अलावा हमने इस गाड़ी के इसमें पावर जो ट्रांसमिशन होता है, हमने इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ AMT लॉन्च किया है। AMT दोनों पेट्रोल में और डीजल में लॉन्च किया है। अभी तक डीजल कस्टमर के पास AMT का इस सेगमेंट में कोई ऑप्शन नहीं था जो हमने प्रोवाइड किया है कस्टमर को, जो कि एक अलग सेगमेंट को हमारे समझ से अट्रैक्ट करेगा। हालांकि नई कार आने के बाद भी कंपनी ग्रैंड आई10 का मौजूदा मॉडल बंद नहीं करेगी। दोनों कारों के 4 वेरिएंट्स बाजार में ग्राहकों को खरीदने के लिए मिलेंगे। ग्रैंड आई10 नियोस और ग्रैंड आई10 की शुरुआती कीमत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लुक से लेकर फीचर्स तक के मामले में नई कार पुराने मॉडल से काफी अलग है। In coming time, the Grand I10 Nios will become a benchmark for the industry, not only in terms of compact, but also in terms of the future-ready technology, both for the BS6 and also for the engine as far as its performance is concerned. अगर बात की जाए कीमत की, तो नई Grand I10 Nios की कीमत 5,00,000 से 7,99,000 रुपए के बीच है, जबकि Grand I10 की शुरुआती कीमत 4,98,000 रुपए है, जो 7,63,000 रुपए तक जाती है। साइज के हिसाब से देखें तो नई आई10 पुराने मॉडल से ज्यादा लंबी और चौड़ी है। ऊंचाई में दोनों कार बराबर हैं। नई कार का व्हील बेस भी ज्यादा बड़ा है। नई कार में शार्प प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नई कैस्केडिंग ग्रिल, ग्रिल के किनारे वी शेप में LED DRL, बम्पर पर एग्रेसिव लाइंस, नए फॉग लैंप्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल और साइड में दी गई लाइंस इसके ओवरऑल लुक को शानदार बनाती है। नई आई10 में BS6 इंजन लगा है और इंजन की क्षमता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन्होंने स्पोर्टीनेस इंट्रोड्यूस करी है बहुत ज़्यादा। इसका अगर आप फ्रंट से देखिए तो ग्रिल एक अलग तरीके का है, शाइनिंग ब्लैक बोलते हैं, DRL है, हेडलैम्प्स हैं, इसके साथ साथ इसकी जो रूफ लाइन है ये स्लंटिंग है, नीचे जा रही है, जिससे कि एक स्पोर्टी फीलिंग आती है, और बैक से भी देखिए तो उस पर बहुत काम किया गया है सारी गाड़ी को अच्छा दिखाने के लिए। ग्रैंड आई10 नियोस में वायरलेस फोन चार्जर की सुविधा है और 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ग्रैंड आई10 नियोस के पेट्रोल इंजन का माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन में 20.7 किलोमीटर और AMT में 20.5 किलोमीटर प्रति लीटर है। डीजल इंजन का माइलेज मैनुअल और AMT में 26.2 किलोमीटर प्रति लीटर है।